GTA San Andreas Definitive Edition Netflix का वर्जन या फिर Rockstar का वर्जन। गाइस ये वाला गेम सबसे ज्यादा हैवी गेम है और सबसे ज्यादा साइज का गेम भी है। 7GB प्लस का ये गेम आता है और GFX इंस्टॉल करने के बाद में 8GB का हो जाता है। कैसा हो अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर GFX के साथ में पूरा का पूरा गेम प्रोवाइड करूँ। या गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, GTA San Andreas Netflix का पूरा गेम आप लोगों के लिए लिया और साथ में उसके अलावा GFX का मोड पैक। गाइस ये GFX विद गेम का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पूरा बना चुका हूँ पहले भी, बट प्रॉब्लम ये आई थी कि काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार उनके पास में डेटा नहीं है 7GB प्लस डाउनलोड करने का एक साथ में। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप या तो गेम को पार्ट्स में डाउनलोड कर लीजिए। अब पार्ट्स में अगर गेम को डाउनलोड करने जाओगे तो लगभग लाइक 1.5GB 1.2GB का पार्ट भी है तो आपको 7 दिन तो लग ही जाएंगे डाउनलोड करने में, राइट? तो जी हाँ गाइज, आपको बस टाइम तो उतना ही लगने वाला है। फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको, गेम प्रोवाइड कर दूंगा मैं पार्ट्स के अंदर। एंड दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हैज बीन कमेंटिंग मी ऑन माय लेटेस्ट वीडियोस टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। डेफिनेटिव एडिशन यार बहुत ज्यादा हैवी गेम है, अच्छा फोन रिक्वायर करता है। काफी लोगों के फोन में ये गेम चलने के बाद भी यहाँ पे लैग करता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रैशिंग का भी इशू लोग फेस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने आपका वीडियो बना दिया है चैनल पे यार लैग फिक्स वाला वीडियो, तो उसको जाकर के आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मेरे व्यूवर्स यहाँ पे फेस करते हैं डेफिनेटिव एडिशन से रिलेटेड, उन सबके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ अपने चैनल पे। तो फिलहाल अगर अभी आप अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो डेफिनेटिव एडिशन से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोग कमेंट में मुझे पूछते ही है कि यार ये iOS में चलेगा कि नहीं चलेगा। अब iOS मोड के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मोड्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो समटाइम iOS में कैन नॉट रन ऑल दी मोड्स, राइट? सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट iOS क्योंकि मैं आईफोन नहीं चलाता, मेरे पास कोई भी आईफोन डिवाइस नहीं है, तो मैं ये चीजें आप लोगों को नहीं बता सकता कि iOS के अंदर गेम चल सकता है कि नहीं चल सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, जितना मैंने खुद से रिसर्च किया है ऑन द यूट्यूब ऑन द गूगल, सो मैंने यही पाया है कि जो iOS है जो आईफोन है वो मोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, और अगर सपोर्ट करता भी है तो उसमें जेल ब्रेक का कुछ सिस्टम होता है, उसको वहाँ पे आपको अनेबल करना होता है जिससे अगेन सिक्योरिटी वर्ड हो जाती है अपने फ़ोन की। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग जो है फेस करें, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे पहले इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। बोनस टिप मैं ये देना चाहूँगा कि यार अगर आप गेम को चाहते हो लो एंड डिवाइस में चलाना, यानी कि GFX के साथ में भी चलाना है और लो एंड डिवाइस में भी चलाना है, ठीक है, तो वो चलाने के लिए ना यार आपको एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे उस वीडियो को देखने के बाद में आपका गेम ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। थोड़े बहुत ग्राफिक्स लूज कर दोगे आप, बट उसके बाद में यार आपका गेम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं कराए तो वो कर दो, क्योंकि आगे और भी न्यू लेटेस्ट वीडियोस आने वाली है चैनल पे। तो फॉर द नोटिफिकेशन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। नाउ कंटिन्यू विद द वीडियो। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस पुराने वर्जन्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है अपने चैनल पर, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिएगा अभी मत, क्योंकि वो वीडियोस ओल्ड हो चुकी है और ये वाले जो मॉड पैक है ये जो गेम है ये नया हो चुका है, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी है। तो गाइज आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद दिस लेटेस्ट गेम। एंड वन मोर थिंग गाइज, लॉट ऑफ द पीपल आस्किंग मी अबाउट क्रैशिंग इश्यूज और कुछ जो कैरेक्टर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे लाइक आपका जो आयरन मैन है और फ्लैश मैन है, वो वाले मॉड पैक को यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में कैरेक्टर गेम के अंदर शो नहीं कर रहा था। तो उसका एक सॉल्यूशन ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गेम को न्यू गेम से करते हो स्टार्ट, तो मे भी हो सकता है आपको वो कैरेक्टर दिखे या कुछ लोगों के फोन में ना दिखे, तो उस सॉल्यूशन में आप रिज्यूम कर सकते हो। रिज्यूम करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपको शो होने लग जाएगा। एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को आप इंस्टॉल कर सकते हो तो एक ही कैरेक्टर आपको दिखेगा, आप स्विच नहीं कर सकते हो दोनों कैरेक्टर के बीच में। तो अगर आपने आप लोगों को नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन एंड फ्लैश मैन
के बारे में जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई है, नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें पूरी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। ओके एंड वन मोर थिंग, अगर आप जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि अगर आपने हमारे GTA 6 का लेटेस्ट मोडपैक का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि उस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया है GTA 6 का लेटेस्ट मोडपैक और साथ में उसके आपको बहुत चीज़ें बता दी है मैंने। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ये गेम लैग करता है या बिल्कुल नहीं चलता है तो आप लोगों के लिए वो वाला मोडपैक परफेक्ट होगा। उससे पहले मैंने डेफिनेटिव एडिशन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उन डेफिनेटिव एडिशन का भी वीडियो नहीं देखा है जाके चेकआउट कर सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट लॉट ऑफ द पीपल डोंट नो। एंड आई एम श्रीनेश सोनी साइनिंग आउट। Thank you.